नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी का करेंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जो कि फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करेंट अफेयर्स होगा, वार्षिकांक। तो ये देखिए आपका 2022 का वार्षिकांक है, ये मुख्य आकर्षण। इसमें जितना भी सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से, तो टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार का जो है मुख्य योजनाएं जो है उसको पढ़ेंगे 2021 का। इससे पहले हम लोगों ने यूपी और मध्य प्रदेश का पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। तो यूपी का जो है अभ्युदय कार्यक्रम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु किसान कल्याण मिशन वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। देवारण्य योजना, आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए लॉन्च पैड योजना। 18 वर्ष पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करने हेतु लाडली लक्ष्मी योजना। इसके तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जन सुनवाई योजना 2021, तो अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्राप्त लाभार्थियों को 4,000 रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। रोजगार सेतु योजना, तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना हेतु उमरिया जिला के पुलिस द्वारा है। और अंकुर योजना, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो भी योजनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है बाजरा मिशन, इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और आपका जो है गोधन न्याय योजना। तो आपका बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना और उसके बाद नेक्स्ट आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 है। तो आपका जो बाजरा मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। तो बाजरा मिशन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। गार्बेज कैफे योजना, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। तो अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना, गार्बेज कैफे योजना, ये आपका छत्तीसगढ़ का है और ये अंबिकापुर नगर निगम द्वारा ये लागू किया गया है। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना, तो पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। तो पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना है गोधन न्याय योजना का मुख्य बिंदु। तो बाजरा मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है, तो 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। गार्बेज कैफे योजना, तो
अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो किसानों को धान की फसल के लिए किस रूप में 1500 रुपये प्रदान करना, और गोधन न्याय योजना पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने को है। ठीक है, तो बाजरा मिशन आपका क्या है, तो लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है, तो 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये दिए जाएंगे, गार्बेज कैफे योजना तो अंबिकापुर नगर निगम प्लास्टिक के बदले भोजन, राजीव गांधी किसान न्याय तो 1500 रुपये दिए जाएंगे धान के फसल के किस के रूप में, और गोधन न्याय योजना पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। ठीक है, तो ये आपका टोटल छत्तीसगढ़ का जो है योजना था, जो महत्वपूर्ण योजना, तो बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।